वी विल बी रिवाइजिंग इट क्विकली अंडर दीज फाइव हेडिंग्स राइट काफ़ी बड़ा चैप्टर होता है पढ़ाने के लिए और रिवाइज करने के लिए भी तो इसके डिटेल्ड वीडियोस भी मैंने बना रखे हैं जो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा पर क्विक रिवीजन के लिए पंद्रह मिनट बीस मिनट आधे घंटे में मुझे इसका रिवीजन करना है तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस चैप्टर के रिवीजन में ये मुझे समझना पड़ेगा ठीक है तो वही हम इस चैप्टर में आज देखने की कोशिश करेंगे तो आइए फर्स्ट इज बेसिक बेसिक में मुझे ध्यान होना चाहिए पोजिशन वेक्टर क्या होता है वेक्टर इज अ वेक्टर विच रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट तो अगर ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है तो इस पॉइंट ए का पोजिशन वेक्टर ओ के रिस्पेक्ट में इस तरीके से लिखा जाएगा This is position vector of A with respect to O, right? तो position vector dekha humne What is distance traveled Distance is the total path length traveled by a particle between two points. तो A से B के बीच में अगर एक particle इस तरीके का path travel करता है, तो इस path length को हम बोलेंगे ये distance travelled हुआ, ठीक है? अब बात आती है displacement क्या होता है? तो displacement is change in position vector. तो फाइनल पोजिशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट से ओ माइनस इनिशियल पोजिशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट ओ तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ठीक है इसको और एक बार समझते हैं सपोज करो दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस दिस इज एक्स एक्सिस और पॉइंट ए है पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है ठीक है दिस इज पॉइंट बी तो इसका इनिशियल पोजिशन वेक्टर यह होगा और यह इसका फाइनल पोजिशन वेक्टर होगा राइट right? तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल डेल्टा आर तो यह हमको ध्यान रखना पड़ेगा स्पीड की बात करते हैं स्पीड दो टाइप की स्पीड होती है एक होती है एवरेज स्पीड एक होती है एवरेज स्पीड एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड तो एवरेज स्पीड क्या होती है एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन राइट देन कम्स इंस्टेंटेनियस स्पीड तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है डी एस बाई डी टी इंस्टेंटेनियस स्पीड इज गिवन एज वी इंस्टेंटेनियस एंड दिस इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी वेयर एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो हम इसको लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस दिस इज अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड ठीक है फिर बात करते हैं हम विलोसिटीज की तो वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज गिवन एज वी एवरेज और ये होता है चेंज इन पोजिशन वेक्टर दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन वी कैन राइट इट एज आर एफ माइनस आर आई अपॉन टी एफ माइनस टी आई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए वी इंस्टेंटेनियस इज गिवन एज ये जो डेल्टा टी लिखा हुआ है हम इसको लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो लिखेंगे एंड दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी राइट नाउ कम्स एक्सिलेरेशन एक्सिलरेशन इज एवरेज एक्सिलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन एवरेज एक्सिलरेशन के लिए लेट्स राइट इट एज एवरेज एंड दिस इज फाइनल विलॉसिटी माइनस इनिशियल विलासिटी ये हमेशा ध्यान रखना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम होना चाहिए दोनों वेलोसिटीज़ के लिए अपॉन चेंज इन टाइम सो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगी सो दिस इज डी वी बाई डी टी दिस इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा और वी कॉल इट ज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी तो ये हमने बेसिक डेफिनेशन देखे यहां पर अब आगे चलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगा हमारा वी वेक्टर पहले तो हम ये समझते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वैलिड ओनली फॉर कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन तो ओनली फॉर वैलिड ओनली फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कॉन्स्टेंट एक्सिलरेशन ठीक है सो फर्स्ट इक्वेशन इज रिटर्न एज v वेक्टर इज इक्वल टू u प्लस ए वेक्टर t ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ वेक्टर नोटेशन में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं आप टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन किसी में भी आप काम करेंगे तो आपको ये आसान लगेगा फिर आती है बारी सेकेंड इक्वेशन की तो सेकेंड इक्वेशन इज s वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t square this is second equation right third equation is v dot v is equal to v dot v is equal to u dot u plus 2a dot s vector where v is final velocity u is initial velocity a is acceleration and s is displacement theek hai? नाउ लेट सी डिस्प्लेसमेंट इन एंथ सेकेंड डिस्प्लेसमेंट इन एंथ सेकंड मैं इसको डेल्टा एस से डिनोट कर रहा हूं डेल्टा एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन एन प्लस वन सेकेंड्स माइनस डिसप्लेसमेंट इन एन सेकेंड्स एंथ सेकेंड का मतलब बिटवीन फाइव एंड सिक्स इट इज दिक्सथ सेकेंड ठीक है बिटवीन फोर एंड फाइव इट इज द फिफ्थ सेकेंड ठीक है तो यह हमको ध्यान रखना है तो यह आएगा यू प्लस ए बाई टू टाइम्स टू एन माइनस वन यहां पर अगर इसको मैं डायमेंशनली करेक्ट दिखाना चाहूं तो u इंटू वन सेकेंड प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन इंटू वन सेकेंड ठीक है दिस इज डेल्टा एस तो आप ये एक्सप्रेशन याद रखिए इससे काम होगा ठीक है तो ये हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन देखा तो लेट्स डिस्कस अबाउट द ग्राफ्स तो ग्राफ में हम सबसे पहले देखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो पोजीशन टाइम ग्राफ से हमको क्या क्या मिलता है तो पोजीशन टाइम ग्राफ से हमको डिस्टेंस मिलता है डिस्प्लेसमेंट मिलता है और वेलोसिटी मिलती है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो आसान चीज़ है velocity हमको दोनों मिलती है एवरेज भी मिलेगी ठीक है क्योंकि हमको फाइनल पोजीशन पता होगा हमको इनिशियल पोजीशन पता होगा और हमको कोर्स चेंज इन टाइम तो पता ही होगा इसलिए वी कैन फाइंड एवरेज वेलोसिटी और यहां से हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी मिलती है दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज गिवन एज द स्लोप ऑफ द टैंजेंट ड्रॉन टू द एक्स टी ग्राफ एट दिच वी वॉन्ट टू फाइंड ठीक है तो ये ध्यान रखना है हमको पोजिशन टाइम ग्राफ में हमें इस तरीके से विलोसिटी मिलेगी तो एक इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं पोजिशन लिखा है यहां एक्स और दिस इज टाइम टी अगर हमारा ग्राफ ऐसा है पोजीशन टाइम ग्राफ और मुझे इस पॉइंट पर पॉइंट पी पर मुझे टेंजेंशियल सॉरी मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पर एक टेंजेंट जिसका मुझे स्लोप निकालना होगा तो इस टेंजेंट को मैं ऐसे ड्रा करूँगा इस पॉइंट पर इस ग्राफ के लिए और ये टेंजेंट जो स्लोप बना रहा है जो एंगल बना रहा है थीटा ये निकालना होगा

ऑल द एरियाज इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए इट इज़ द समेशन ऑफ मॉड ऑफ ऑल द एरियाज अंडर वी टी ग्राफ ठीक है डिस्प्लेसमेंट के लिए समेशन ऑफ ऑल द एरियाज ओनली फ्रॉम आई टू एन जितना भी एरिया हम कैलकुलेट करते हैं यहां पर तो सबका समेशन करेंगे अंडर वी टी ग्राफ तो वहां मैंने मॉड लिखा था यहां मैंने मॉड नहीं लिखा है ठीक है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है पर डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव एक्सीरेशन के लिए क्या होगा एक्सीरेशन इज अगेन एक्सीरेशन दो टाइप के होंगे एक होगा एवरेज एक्सीलरेशन जो कि होगा चेंज इन वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी एफ माइनस टी आई और दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस एक्सीरेशन दिस विल बी स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द वीटी ग्राफ एट पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफकोर्स एट विच वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन ये सिमिलर है जैसे हमने एक्सटी ग्राफ में देखा था ठीक है तो यह हमने वी टी ग्राफ देखा यह काफी इम्पोर्टेंट ग्राफ होता है इसको आपको ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए इस पर नाउ कम्स एक्सिलरेशन टाइम ग्राफ एक्सिलरेशन टाइमग्राफ से हमको एक्सिलरेशन तो ऑफकोर्स मिलता ही है हमें विलोसिटी मिलती है और विलोसिटी इज द एरिया अंडर

कैपिटल टी है और इसका एक्सप्रेशन होगा टू यू साइन थीटा बाई जी राइट मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन क्या होगा मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन होता है एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वेयर थीटा बाई टू जी ठीक है नाउ रेंज रेंज इज यू स्क्वेयर साइन टू थीटा बाई जी दिस इज द रेंज राइट

यू इज द इनिशियल विलोसिटी थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जी इज एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्स इज द एक्स कॉर्डिनेंट एंड वाई इज द वाई कॉर्डिनेंट ठीक है ये एक पैराबोलिक कर्व होता है ये हम सबको पता है प्रोजेक्टाइल कैसा दिखाई देता है तो अगर यहां से ये हम थ्रो करेंगे तो इट विल फॉलो दिस पाथ एंड इट विल फॉल ऑन द ग्राउंड दिस इज वाई दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड दिस फंक्शन इज गिवन बाई दिस एक्सप्रेशन ठीक है नाउ कम्स रिलेटिव मोशन रिलेटिव मोशन में इतने टाइप के प्रॉब्लम्स बनते हैं रेन मैन विंड मैन ये दोनों सिमिलर कैटेगरी में फॉल करेंगे ठीक है रिवर बोट स्विमर प्रॉब्लम विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम ये दोनों एक सिमिलर कैटेगरी में फॉल करते हैं तो तीन टाइप के प्रॉब्लम हैं और ये पांच अलग अलग इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं तो रेन मैन प्रॉब्लम मैं इन पांचों का वीडियो लिंक इसके साथ अटैच करूंगा ठीक है आप लोगों को मैं बता भी देता हूं आपको ये डिटेल में मिल जाएगा इसको आपको एक्चुअली डिटेल में एक बार सुनना पढ़ना जरूर चाहिए फिर भी मैं यहाँ पे इन शॉर्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ तो रेन मैन प्रॉब्लम क्या पढ़ा है हमने रेन मैन प्रॉब्लम में रेन मैन प्रॉब्लम में हमने पढ़ा है कि अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड राइट टू अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड द रेन ड्रॉप्स स्ट्राइक्स इम मेकिंग एन एंगल सम एंगल विद द वर्टिकल राइट से थीटा विच इज थीटा इज इक्वल टू थर्टी डिग्रीज तो देन ही स्टार्ट्स वॉकिंग एंड द रेन ड्रॉप्स स्ट्राइक्स इम परपेंडिकुलरली ठीक है तो वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो हमने इसमें क्या क्या लिया था सबसे पहले हमने अज्यूम कर लिया था दिस इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप यह आप एज्यूम कर लीजिए बहुत सिंपल प्रोसेस है केस वन के लिए आप लिखिए वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू मैन

सो दिस वॉज अबाउट रेन मैन प्रॉब्लम रिवर बोट या रिवर स्विमर प्रॉब्लम की बात करते हैं इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो समझने वाली होती है जो ध्यान रखने वाली होती है वो होता है वेलॉसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, ठीक है तो ये रिवर है इसकी विथ दे रखी है आपको ठीक ये डी है मैन ए पे खड़ा हुआ है ये चाहता है कि ये बी पे पहुंचे वेलासिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है आपको द मैन स्टार्ट स्विमिंग अलॉन्ग दिस डायरेक्शन ठीक है एंड अल्टीमेटली ही रीचेज एट दिस पॉइंट ठीक है सो दिस इज ए बी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिस इज वी एम आर राइट तो रिवर पे बैठे हुए रिवर के साथ फ्लो करते हुए आदमी को दिखाई दे रहा है कि

रिवर और विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिस इज वॉट यू हैव टू रिमेम्बर बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना बहुत जरूरी है ठीक है तो अगर वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर का मैग्नीट्यूड मुझे दिया हुआ है मान लीजिए मैग्नीट्यूड इसका मुझे गिवन है वी एम आर इस फोर किलोमीटर्स पर आर और वी आर जी मुझे गिवन है से थ्री किलोमीटर्स पर आर तो ये जो थीटा एंगल होगा यहाँ पर होगा साइन थीटा इज इक्वल टू थ्री बाई फोर और थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ थ्री बाई फोर ठीक है तो यह ध्यान रखना है नाउ कम्स विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम भी सिमिलर नेचर का हुआ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच इसमें हमको क्या ध्यान रखना है हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स होंगे मान लेते हैं ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है दूसरा ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है नॉर्थ और वेस्ट की बात करते हैं सो दिस इज़ ऑब्जेक्ट ए दिस इज़ ऑब्जेक्ट बी तो इसकी वेलोसिटी वी ए जी है और इसकी वेलोसिटी वी बी जी है तो कुछ हमको इनिशियली दिया रहेगा कि यहाँ पर इनके बीच का डिस्टेंस क्या है और क्या नहीं है क्या है ये दिया रहेगा मान लेते हैं सो से दिस डिस्टेंस डी इज़ गिवन टू अस राइट प्रोसीड कैसे करना है प्रोसीड करना है इसमें सबसे पहले आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ठीक है या वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए किसी एक को रेफरेंस मान के दूसरे की वेलोसिटी निकालो जब ये वेलोसिटी निकल जाए तो सपोज करो दिस इज द लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब मैंने बी को फिक्स कर दिया है अब ए इज मूविंग अलॉन्ग दिस लाइन ठीक है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अब यहाँ पर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ठीक है सो दिस इज़ 90 डिग्रीज और ये जो लेंथ है ये एंगल पता चल जाएगा आपको से दिस इज फाई सो दिस इज डी तो दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच एक्स तो एक्स इज इक्वल टू डी साइन फाई इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच तो प्रोसेस मैंने आपको सिखाया अभी प्रोसेस क्या है कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालो जिसको आपने जिसके रिस्पेक्ट में निकाला है उसको आप रेस्ट पे रखो जो कि यहाँ पे बी था और उस वेलोसिटी वेक्टर को प्लॉट करो जो आपने रिलेटिव वेलोसिटी निकाली है फिर उस वेक्टर के ऊपर आप जिस जो पॉइंट रेस्ट पे है वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो जो ये लेंथ आएगा दिस विल बी द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ओके सो दिस इज वॉट वी हैव स्टडीड इन काइनामेटिक्स काफी बढ़िया चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसके ये सारे टॉपिक्स जो हैं जो आप देख रहे हो रिलेटिव मोशन में सबके वीडियोज हैं मैं सबके डिटेल्ड वीडियोज हैं आई विल गिव यू एक्सेस टू द वीडियो पब्लिक डोमेन में है आप लोग देख सकते हैं थैंक यू सो मच आई होप ये चैप्टर आपने क्विकली रिवाइज किया होगा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे आपको एप्लीकेशन समझ में आया होगा नाव यू हैव टू डू दसाइनमेंट विच आर Which is a good compilation and which will help you to understand these concepts or practice this concept in a much better way. Thank you so much. Goodbye.